गौर से देखो इस बोतल को। आज हम इसी बोतल का यूज़ करके बहुत सारे DIYs बनाने वाले हैं। इस बोतल में आया था अनार का जूस जो मैंने पी लिया। अभी खाली बोतल से हम देखो क्या क्या बनाते हैं। इस पे जो नाम वगैरह लिखा था वो मैंने नेल पेंट रिमूवर से रिमूव कर दिया। और फिर अभी हम इसे करेंगे कट। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है उसका यूज़ करेंगे हम। तो मैं इस तरह पेंसिल से दिखा रही हूँ कि हमें कट कैसे करना है। फिर धीरे धीरे सीजर से मैंने इसे कट किया। सीजर्स, क्राफ्ट कटर या फिर किचन का चाकू ही क्यों ना हो, आपको जिससे कंफर्टेबल लगे आप उससे कट कर सकते हो। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे हो तो बड़ों के गाइडेंस में ही करना, अकेले मत करना। अब इसका जो ढक्कन वाला पार्ट है उसे भी हम रिमूव कर देंगे और इस तरह हमें एक चेयर मिल जाएगी। अभी इस पे बैठ तो नहीं सकते तो इसके लिए हम बनाएंगे कुशन। तो इस तरह दो कार्डबोर्ड के सर्कल्स मैंने फेल शीट से अच्छे से कवर कर दिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और अगर आपके कुछ सजेशन्स है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लो हमारा कुशन रेडी हो गया है। आप ऐसे ही रख सकते हो इस चेयर को, बहुत अच्छा लग रहा है एक्रेलिक चेयर के जैसा बिल्कुल। मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करना था तो मैंने बैक रेस्ट के लिए भी एक कुशन ऐड कर दिया। तो उसके लिए मैंने कॉटन पैड का यूज़ किया है। तो कॉटन पैड को इस तरह मैंने बो की शेप में कन्वर्ट कर लिया और बीच में एक फेल्ट शीट की स्ट्रिप से उसे कवर कर दिया। तो हमें एक क्यूट सा बो शेप का कुशन मिल जाएगा। इसे भी हम स्टिक कर देंगे चेयर पे और हमारा ब्यूटीफुल सा एक्रेलिक चेयर रेडी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इसके लिए जो बचा हुआ बॉटल था उसे मैंने इस तरह कट कर लिया और ये बीच वाला पोर्शन था हमारी बॉटल का, तो इसे मैंने इस तरह कट कर लिया। इससे हम बना रहे हैं एक हैंगिंग चेयर जो बहुत ही क्यूट बनी है। अब ये जो बचा हुआ प्लास्टिक है इसे फेंकना नहीं है, इसे संभाल के रखना है। हम उससे भी एक DIY बनाने वाले हैं। अभी इसके जो एजेस है उसे मैंने इस तरह कर्व कर लिया। नीचे के भी जो एजेस है उसे भी हम कर्व कर लेंगे। अब हम इसमें बनाएंगे होल्स। तो होल्स के लिए मैं इस तरह एक सुई को इंसर्ट कर रही हूँ। अगर ये होल नहीं हो रहा है इजीली प्लास्टिक में तो आप थोड़ा गर्म कर सकते हो नीडल को और फिर इंसर्ट कर सकते हो, तो उससे इजीली नीडल इंसर्ट हो जाएगा। तो ये जो होल्स हमने बनाए थे उसमें इस तरह मैं एक पिंक कलर का थ्रेड इंसर्ट कर रही हूँ और फिर इस थ्रेड में हम इस तरह से वाइट कलर के 3 पर्ल्स इंसर्ट कर देंगे। अभी इसके कुशनिंग के लिए भी हम फेल्ट शीट का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह दोनों साइड से मैंने कट लगा दिए ताकि हमारा फेल्ट शीट अच्छे से उस पर फिक्स हो सके। और फिर मैंने इसे स्टिक कर दिया और फिर सेम जो कॉटन पैड से हमने पहले बैकरेस्ट का कुशन बनाया था वैसे ही सेम मैंने कॉटन पैड को बो में कन्वर्ट करके इसके बैकरेस्ट के लिए भी सेम कुशन स्टिक कर दिया। तो इस तरह हमारा चेयर और हैंगिंग चेयर दोनों रेडी हो गए हैं। बहुत ही क्यूट बने हैं दोनों भी। और बाकी का जो बचा हुआ बॉटल था उससे भी मैंने कुछ DIYs बनाए हैं जो मैं कल अपलोड करूँगी, जिसे देखने के लिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हास्ता ला विस्टा फ्रॉम नूडलिस्टा।